नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एक पुराना पेपर लेकर आया हूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। कल हमने लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन किए थे, उससे आगे के क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ। लगभग 100 तक क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में बांटा है इस पेपर को। तो आज हम उसको सोल्व करेंगे और जितने भी आंसर दिए गए हैं वो आरपीएससी के आंसर की के अनुसार हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए करते हैं पेपर को सोल्व। केंद्रीयता के जिस माप से विचलनों के वर्ग का योग न्यूनतम होता है वह है माध्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? माध्य। किसी वितरण में सबसे अधिक बारंबारता वाले मूल्य को कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं इसको? बहुलक। पीर पंजाल श्रेणी किसका अंग है? लघु हिमालय का, यानी कि जो मध्य हिमालय है उसी को लघु हिमालय बोलते हैं। तो ये पीर पंजाल श्रेणी उसी का हिस्सा है। जिसमें अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है वह प्रक्षेप है ध्रुवीय मध्य सम क्षेत्रफल, यानी पोलर जेंथिल इक्वल एरिया। एक बोन प्रक्षेप 50 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया गया है। यदि उसे पुनः 25 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया जाए तो उसमें अक्षांश रेखाओं की वक्रता घटेगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उसमें जो अक्षांश की वक्रता रेखाएं हैं उनकी वक्रता घट जाएगी। सही कथन चुनना है और इसमें सही कथन है दुर्बलता मंडल एक मुलायम परत है, बाकी तीनों ही ऊपर के जो कथन है वो गलत हैं। सही कथन इसमें 4 नंबर है, दुर्बलता मंडल एक मुलायम परत है। न्यूनतम गहराई पर मैग्मा का गुमनदाकार जमाव होता है लाइकोलिथ। न्यूनतम पर लाइकोलिथ होता है और अधिकतम गहराई पर बैथोलिथ होता है। नदी घाटी के गहरा होने में सहायक कारक है अपघर्षण, जलीय दाब और गर्तिका छेदन। शनि घर्षण गहरा नहीं करता है, क्योंकि शनि घर्षण के अंदर जो टुकड़े होते हैं उनका आकार ही छोटा होता है। यदि समंकों में से कोई स्थिरांक घटा दिया जाए तो उसका परमाप विचलन अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। समंकों को स्थिरांक से विभाजित करने पर माध्य वह परमाप विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएंगे। मेंटल जिन सेलों से निर्मित है वे हैं पेरिडोटाइट। क्या है वे? पेरिडोटाइट। यदि पृथ्वी पर किसी प्रकार का संचरण नहीं होता तो हम तापमान अनुभव करते अधिक विषम। कैसा अनुभव करते? अधिक विषम। समताप रेखाएं उन स्थानों को मिलाती हैं जहां समुद्र तल पर समायोजित तापमान समान हो। आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होता है समुद्र तल के ऊपर उठने से। इसमें होता है धनात्मक परिवर्तन आधार तल में समुद्र तल के ऊपर उठने से। सममंडल में सम्मिलित है समताप मंडल, अक्षोभ मंडल और मध्य मंडल, यानी कि जो पहली 3 परतें हैं वो समताप मंडल में शामिल की जाती हैं और ऊपर की जो परतें हैं वो विषम मंडल में शामिल की जाती हैं। धरातल को गर्म करने वाला या वाले सार्थक कारक हैं सौर विकिरण के लघु तरंगे और प्रतिविकिरण की दीर्घ तरंगे। यानी सूर्य से जो हमें तरंगे प्राप्त होती हैं वो लघु रूप में प्राप्त होती हैं जो पृथ्वी को गर्म करती हैं, और पृथ्वी के गर्म होने के बाद जब पृथ्वी उस ऊष्मा को वापस परावर्तित करती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है जिससे वायुमंडल गर्म होता है। तो ये दोनों ही
धरातल को गर्म करने वाले सार्थक कारक हैं। ध्रुवों की ओर विक्षेप बल बढ़ता है, यानी जब पवने चलती हैं और जो जो हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो उनके विक्षेप बल क्या होता है कि बढ़ता है और भूमध्य रेखा की ओर घटता है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भीतर की ओर चलने वाला पवन संचरण होता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्या होता है, वो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पवने घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चलती हैं। किसी दिए हुए वायु के द्रव्यमान में उपलब्ध जलवाष्प के द्रव्यमान को कहते हैं उसकी विशिष्ट आर्द्रता, यानी कि दिए वायु के द्रव्यमान में उपलब्ध जलवाष्प के द्रव्यमान को क्या कहेंगे, विशिष्ट आर्द्रता। बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति बढ़ती दर से ही बढ़ती है, यानी कि जितना तापमान बढ़ेगा उतनी ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। उद्भव विकसित मेघ का प्रकार है कपासीवर्षी। महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है वह है सेंट लॉरेंस तुले प्रदेश, यानी कि जो भूमध्य रेखीय जलवायु होती है ना वो पाई जाती है इन अक्षांशों के बीच पूर्वी भागों में। जिस महासागरीय गहराई पर हेलोक्लाइनल स्थिति रहती है वह है 300 मीटर से 1000 मीटर के बीच। बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग कर्मिक पट्टी जिस शैल समूह की है वह है विंध्यन शैल समूह। कौन सा है, विंध्यन शैल समूह। क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं के चक्रण की दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप और घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय जो धाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत हैं। यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दोगुनी हो जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार जितने मिनट विलंब से आएगा वह है 26 मिनट। 26 मिनट विलंब से आएगा वो। यदि पृथ्वी व चंद्रमा की घूर्णन गति आधी रह जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार जितने मिनट विलंब से आएगा वह है 52 मिनट। मोलविड प्रक्षेप में केंद्रीय मध्यान रेखा प्रदर्शित होती है अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी। सूची 1 हिमालय के निर्माण में पर्वत निर्माणकारी बल की दिशा को सूची 2 उसके प्रतिपादक से सुमिलित करते हुए दिए गए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर से सवैस, दक्षिण से आर्गंड, दोनों ओर से कोबर और किसी ओर से नहीं बुरार्ड। कोपेन की योजना अनुसार AMW प्रकार का जलवायु जहां मिलता है वह है केरल में। कहां मिलता है AMW प्रकार का जलवायु, केरल में मिलता है। बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। भूमध्य रेखा व ध्रुवों की लंबाई समान होती है, यह शुद्ध क्षेत्रफल व शुद्ध आकृति प्रक्षेप है, ये गलत है। इसमें देशांतर रेखाएं लघुकृत पृथ्वी के व्यास के बराबर होती हैं और देशांतर रेखाएं समदूरस्थ होती हैं, यानी ये 3 सही हैं, इसमें बी ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ही सही हैं। राजस्थान में जलवायु काया के निर्धारक कारक हैं अरावली की अवस्थिति, अरावली की दिशा और समुद्र से दूरी, ये 3 ही कारक जलवायु के निर्धारक है राजस्थान में। लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युगम है सवाई माधोपुर और करौली। दिया हुआ प्रकीर्णन आरेख प्रदर्शित करता है R का मान लगभग
-0.6। निम्नांकित समंकों के लिए कोटि आकार सह संबंध होगा 0.0। मर्केटर प्रक्षेप नहीं है, सम क्षेत्रफल प्रक्षेप नहीं है ये, बाकी शुद्ध आकृति प्रक्षेप है, शुद्ध दिशा प्रक्षेप है और शुद्ध आकृति और शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, यानी कि इसमें सिर्फ प्रथम नहीं है, बाकी ये तीनों ही है। तारा बालू का स्तूप जिसके निकट मिलते हैं वह है सूरतगढ़। राजस्थान में विंध्यन कगार जिससे निर्मित है वह है बालू का पत्थर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग फसली क्षेत्र है? 70%। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम है सर्नियन, कैलिडोनियन, हर्शिनियन व अल्पाइन, यानी सबसे बाद में बने पर्वत कौन से हैं? अल्पाइन पर्वत हैं। सागवान के वन वाला जिला युगम है, यानी जहां सागवान के वन पाए जाते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है वह है 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर कह लीजिए, और मिलीमीटर की बात करें तो 500। राजस्थान में वर्षा की घटती प्रवृत्ति की विशिष्ट दिशा है दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम को। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे के 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाऊंगा, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।